हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिम मैथ्स ब्लॉग। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर क्वेश्चन इज एक्स इज इक्वल टू 8ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 4a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4a प्लस एक्स प्लस 4b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4b। तो माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए आज मैं उनको बहुत ईजी प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, पहले तुमको क्या करना चाहिए, इसका वैल्यू निकालना है, x प्लस 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 4a का वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन से x प्लस 4a बाय x माइनस 4a का वैल्यू निकालना है, उसके बाद x प्लस 4b डिवाइडेड बाय x माइनस 4b का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो उसके बाद दो वैल्यू को ऐड करने से इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तुमको इस इक्वेशन को कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x, यहाँ पर क्या है, x प्लस 4a, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे ब्रेक करना चाहिए, यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू यहाँ पर 4a, तो 8ab को कैसे लिखना है, 4a इंटू 2b, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 8ab मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4a ना, यहाँ पर 4a, इसलिए इसका वैल्यू पहले निकालना है, इसलिए इसका वैल्यू निकालने का टाइम क्या करना चाहिए, यहाँ पर 4a लेना है डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, सेम लिखो, ठीक है। तो लिखने के बाद यहाँ पर देखो ये 4a को क्या करना चाहिए, लेफ्ट साइड में तुमको ट्रांसपोज करना है। तो लेफ्ट साइड में लेने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इनटू फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 4a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 2b डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका वैल्यू निकालने के टाइम यहाँ पर 4a लेना चाहिए, यहाँ पर 4b, इसका वैल्यू जिस टाइम निकालोगे ना उस टाइम तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 4b लेना है, तो 4b यहाँ पर लेना से यहाँ पर हो जाएगा 2a, ठीक है। तो पहले तो 4 x प्लस 4a बाय x माइनस 4a निकालना है, इसलिए तुमको 4a यहाँ पर लेना है और यहाँ पर 2b लेना है। तो उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, बोथ साइड को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना चाहिए। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मतलब क्या है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को प्लस करो और तुमको न्यूमरेटर में लिखना है, ठीक है। x प्लस 4a इसके साथ इसके जोड़ दो, ठीक है, ऐड करो। तो ऐड करने के बाद तुमको लेफ्ट तुमको न्यूमरेटर में लिखना है, उसके बाद x माइनस 4a यहाँ पर लिखना है, x माइनस 4a। इस प्रोसेस का नाम क्या है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो सेम करना चाहिए, इसके साथ इसको प्लस करने के बाद तुमको न्यूमरेटर के प्लेस में लिखना है, ठीक है, ए प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा 2b माइनस, लेकिन यहाँ पर देखो इसके साथ माइनस करो, तो 2b पहले लिखना है, माइनस लिखो और इसको माइनस साइन के बाद इस नंबर को जिस टाइम लिखोगे ना, तो यहाँ पर क्या है, प्लस साइन, तो यहाँ पर डायरेक्टली तुमको माइनस लिखना है, तो बहुत इजी से हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा, x प्लस 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 4a का वैल्यू होगा 2b प्लस b, मतलब क्या हो, 3b प्लस a डिवाइडेड बाय 2b से b को माइनस करो, तो हो जाएगा b माइनस a। ये हमारा इसका वैल्यू निकल गया, x प्लस 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 4a का वैल्यू 3b प्लस a बाय b माइनस a, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर से तुमको यहाँ से x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b का निकालना है। तो पहले फिर से तुमको यहाँ पर क्या है, x इजिकल टू 8ab को कैसे लिखना है, यहाँ पर 4b है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 8ab को कैसे लिखना है, 4b इंटू 2a, तो इसको मल्टीप्लाई करने से फिर से तुमको 8ab मिलेगा, तो तुमको ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने से क्या होगा, x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b का वैल्यू इजी से निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो x यहाँ पर देखो फिर से तुमको a प्लस बी यहाँ पर लिखना है, a प्लस बी, उसके बाद क्या है, 4b को तुमको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करना है, तो इनटू a, तो x 4b राइट साइड से लेफ्ट साइड में तुमको ट्रांसपोज करने से क्या हो जाएगा, x बाई 4b हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू 4b के बाद क्या है, 4b ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर 2a सेफ है, तो यहाँ पर 2a लिखना है, 2a डिवाइडेड बाय a प्लस b, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर से तुमको क्या करना चाहिए, तुमको
कॉम्पोनेंट और डिविडेंड को अप्लाई करना चाहिए, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। x प्लस फोर बी बाई एक्स माइनस फोर बी, इसलिए तुमको इस इक्वेशन से x प्लस फोर बी बाई एक्स माइनस फोर बी का वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड का अंतर, मतलब क्या होगा x प्लस फोर बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर बी, ठीक है। तो सेम करो तो यहाँ पर हो जाएगा टू ए प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखोगे ना उस टाइम, यहाँ पर देखो माइनस माइनस ए भी होगा, माइनस ए प्लस बी होगा, तो यहाँ पर प्लस है इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर माइनस लेना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। कैलकुलेट करो तो हो जाएगा टू ए प्लस ए मतलब थ्री ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए से ए माइनस करो तो हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो उसके बाद इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बहुत इजी से निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस फोर ए बाई एक्स माइनस फोर ए का वैल्यू क्या है, थ्री बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो यहाँ पर पुट करना है तो इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पर लिखना है, इस वैल्यू यहाँ पर लिखो पहले, थ्री बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए प्लस, इसका वैल्यू क्या है, ए वैल्यू यहाँ पर लिखो, थ्री ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। लेकिन तुमको पहले क्या करना चाहिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए तुमको यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर यहाँ पर b माइनस है, यहाँ पर a माइनस बी, सिर्फ तुमको क्या है प्लेसिंग डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर a यहाँ पर b, तो इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर को सेम बना तुमको सेम लिखना है, तो यहाँ पर b माइनस है तो बोथ को b माइनस a लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर b a माइनस बी को b माइनस a लिखने के लिए तुमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, सिर्फ सो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस a हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर सेम लिखना है थ्री प्लस बी, तो माइनस कॉमन क्यों लेना है तुमको, पहले तो यहाँ पर देखो b माइनस है, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम तुमको डिनोमिनेटर को सेम लिखना है, इसलिए तुमको माइनस कॉमन लेना है, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा स्टूडेंट, थ्री बी प्लस ए बाई बी माइनस ए, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम भी सेम होगा, ठीक है, तो b माइनस ए हमारा एलसीएम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए तुमको न्यूमरेटर का जो नंबर है ना वो तुमको डायरेक्टली तुमको पुट करना है, लिखना है थ्री बी प्लस ए माइनस थ्री ए प्लस माइनस माइनस, तो थ्री बी से b को माइनस करो तो हो जाएगा टू बी, और माइनस थ्री ए प्लस ए मतलब हो जाएगा टू ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो टू कॉमन लो, टू कॉमन लेने से हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइड बाई ए बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा टू होगा। तो माय डियर स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या कितना आएगा, आंसर कितना होगा दो आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो and if you like this process so please support me and subscribe my channel, thank you, bye bye।